इस वीडियो के बाद आपका ब्रह्मचर्य संकल्प और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। इस बात को मेरे से लिखवा के ले लो। आज मैं आपको ब्रह्मचर्य नाश के ऐसे घातक परिणाम बताऊंगा जिससे आप ब्रह्मचर्य नाश करने के बारे में, करना तो छोड़ो, आप सोचेंगे भी नहीं। आज की कंपैरिजन में पहले की स्थिति में उस पद्धति से संतान उत्पत्ति नहीं होती और इसी के कारण ही है कि संतान इतनी निरोगी पैदा होती है। आजकल तो ऐसा होता है कि माता पिता ऐसे ही हवस में या बिना कोई यम नियम का पालन किए ऐसे ही संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, या सीधा सीधा बोले कि वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो न करके अपने शरीर को बलवान न बना के संतान पैदा करते हैं। और माता पिता की इसी ब्रह्मचर्य विहीनता के कारण उनका बच्चा दुर्बल, रोगी और अल्प आयु पैदा होता है। बीज में ही काम के दोष होने के कारण बालक का नेचर संयम, चरित्र और ब्रह्मचर्य पालन की ओर न होकर स्वभाव से काम वासना की तरफ होता है। और ये तो रही माता पिता की गलती, अब दूसरी तरफ वातावरण भी मैटर करता है। आज के समय का वातावरण ही ऐसा है जिसमें व्यक्ति का ब्रह्मचर्य पालन करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसका परिणाम यह है कि बच्चा जब 14-15 साल का होता है तब उसका शरीर काम की अग्नि से जलने लगता है। शरीर के अंदर जो वीर जमा हो रहा है वह पिघलने लगता है। जैसे ठंडियों के मौसम में जमे हुए घी के पात्र को अगर हम अग्नि में रख दें तब वही घी पिघलने लगता है और उस पात्र में छेद होने के कारण वही घी बाहर आने लगता है। ठीक इसी प्रकार छोटे छोटे बच्चों में 14-15 साल की उम्र के बच्चों को काम की अग्नि के कारण उनका वीर पतला होकर बाहर बहने लगता है और नाभि के नीचे और मूत्राशय के पास जो वीर का कोश होता है उसी कोश में वीर ठहरने लगता है और वीर कोश वीर से भर जाता है। फिर होता क्या है कि यही वीर फिर ऊपर नहीं जाता तथा ये स्वप्न दोष या मूत्र के साथ वीर निकलना या कोई धात रोगों के कारण ये वीर निकलने लगता है और इसी प्रकार वीर का कोश बार बार भरता है और बार बार खाली होता है। यही वीर जो शरीर का राजा है, जिस वीर को शरीर का अंग बनाना था, जो 25 वर्ष की आयु से पहले कभी और पूरी आयु भर शरीर से बाहर नहीं निकल सकता था और जो उर्ध्व गति होकर शरीर और ब्रेन की शक्ति का रूप धारण करता था, लेकिन आज इच्छा के विरुद्ध होकर और शरीर का क्षार यानी कि अमृत रूपी वीर मूत्र के जैसे टपक टपक कर बह रहा है और ऐसी अवस्था में बालक और युवक धाड़ मारकर रोते और चिल्लाते हैं। इस वीर रूपी बीज से संसार के किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती और ना ही जीवन रह सकता है। क्या आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में वीर को क्या कहा गया है? इसको ओजस, बल, तेज, शुक्र, पवित्रता, रेतस, कांति, बिंदु आदि नामों से जाना जाता है। और ये जो अभी मैंने सारे नाम बताए हैं ये एक दिव्य आलौकिक शक्ति के नाम है या दिव्य आलौकिक शक्ति के सूचक है। और यही दिव्य शक्ति हमारे भोजन का सार तत्व है और इसी वीर की डायरेक्शन जहाँ ऊपर की ओर होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति की कुसंगति और कुसंस्कार के कारण यही वीर ऊपर की ओर न होकर नीचे की ओर बहने लगता है। लेकिन अभी भी हमें अपने शरीर को संभालने का टाइम है। अगर हम चाहें तो अपने अच्छे आहार विहार से और कुसंगति को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें जहां वीर की डायरेक्शन नीचे की ओर बह रही थी, वहीं हम प्राणायाम के माध्यम से कुछ प्रयत्न करके यही वीर की डायरेक्शन को हम ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि भाई तू ऐसी ऐसी बातें बताकर लोगों को डराता है, लेकिन मेरी माने तो ये डर जरूरी है। जब भी कोई अपना ब्रह्मचर्य नाश कर रहा है तो ये डर जरूरी है और यही डर उनको ब्रह्मचर्य पालन करने के प्रति और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा करेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले समय में हम जानेंगे कि हम वीर की उधर्व गति कैसे कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपको एक प्राचीन विद्या के बारे में बताऊंगा जिससे वीर की सदा के लिए उधर्व गति हो जाएगी, जिससे आपका वीर आपके वश में रहेगा, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करेगा, यानी कि एक बूंद वीर भी आपकी इच्छा के बिना आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ तक कि स्वप्न दोष में भी नहीं निकलेगा। और इस विद्या में सफल होने पर आपके शरीर में ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इसका पार्ट 2 आने तक चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।